जी बिल्कुल, देखिए हम लोग रिया चक्रवर्ती के काफिले को फॉलो कर रहे हैं और कई लाल बत्तियों पे जब रिया रुकी तो पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने अपना विंडो नीचे नहीं किया, अखबार लगा के, फिल्म लगा के बिल्कुल मीडिया की ग्लेयर से दूर रहना चाहती हैं रिया चक्रवर्ती। और अब उनका काफिला एनसीबी की तरफ बढ़ रहा है, लगभग 15 किलोमीटर का फासला रह गया है, कुल 19 किलोमीटर है जो कि लगभग 45 मिनट से एक घंटा लगता है। और लगातार उनके साथ पुलिस की जो की गाड़ियां हैं वो जा रही हैं। कुल मिला के हमने देखा रिया जब गाड़ी में बैठी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, ऐसा नहीं था कि उनके चेहरे पे कोई शिकन है या संकोच है। कहा कि अग्रिम जमानत की अर्जी नहीं दी है, गिरफ्तारी के लिए तैयार है रिया। मौसमी सिंह वापस आपके पास आते हुए, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है ये नवजोत जो आप बता रही हैं कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, यानी कि हेड ऑन वो लेने की कोशिश कर रही हैं, अपनी बात रखेंगी। उनके वकीलों ने उनको सलाह दी है कि जो भी पूछताछ होती है पूछताछ में सहयोग करिए। और मैंने जो रिया को गाड़ी में बैठते हुए देखा तो ये नहीं है कि उन्होंने चेहरा ढका हुआ था या छुप के जा रही थी, जब वो जीने से उतरी और गाड़ी में बैठी उस वक्त तक रिया काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, मानो कि तैयार हो एक लंबी जांच के लिए और एक नई लंबी पड़ताल के लिए। बहरहाल उनका काफिला अभी एनसीबी की तरफ आगे बढ़ रहा है और वो इस तैयारी से जा रही है रिया कि शायद उनका ये सफर अब रिया चक्रवर्ती बैठी और ये जो कॉन्वॉय है अब वो धीरे धीरे जा रहा है। रिया चक्रवर्ती इसी ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठी हुई है, ब्लैक कलर का शीशा है और बकायदा जो मुंबई पुलिस है ये देखिए, ये पूरी मुंबई पुलिस है, महिला पुलिसकर्मी है, पूरा कॉन्वॉय किया जा रहा है, पूरा एस्कॉर्ट किया जा रहा है, बकायदा इसमें रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है। रिया रिया बात करना चाहेंगे, रिया रिया ये देखिए पूरी तरह से पैक्ड है और किसी को बात करने की इजाजत नहीं है, जबकि दूसरी तरफ अगर ये देखे तो ये मुंबई पुलिस की गाड़ी है, यह ब्लैक कलर की गाड़ी है जिसमें रिया चक्रवर्ती बैठी है, शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है, गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, पूछताछ का सामना करने के लिए रिया चक्रवर्ती यहाँ पर जा रही है। तो ये यहाँ पर गाड़ी रुकी हुई है, अब कॉन्वॉय है और ये कॉन्वॉय देखिए मुंबई पुलिस की एक गाड़ी, ये दो गाड़ी, ये पूरा कॉन्वॉय है जिस कॉन्वॉय को फॉलो किया जा रहा है इस तरीके से। अरविंद ओझा लगातार वहां मौजूद है, तीन तीन गाड़ियां हमारे तीन तेज तरार रिपोर्टर्स इस वक्त फॉलो कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती को, कौन सा वो रूट है जहां से रिया चक्रवर्ती पहुंचेंगी। मौसमी सिंह, अरविंद ओझा, चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ तीनों लोग जुड़े हुए। चित्रा त्रिपाठी, कहां पहुंची रिया की गाड़ी इस वक्त, क्या अपडेट दे पाएंगी चित्रा? देखिए आपको बता दूं, चूंकि वैसे भी आमतौर पर इस समय काफी ज्यादा भीड़ होती है, जैसा कि मैं देख पा रही हूं आखिर काफी ज्यादा भीड़ है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि रिया चक्रवर्ती को तेजी से एनसीबी दफ्तर पहुंचाया जा सके, क्योंकि 19 किलोमीटर का ये जो लंबा रूट है उसको तय करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अब वक्त आ गया है, रिया चक्रवर्ती क्या गिरफ्तार हो जाएंगे अपने आप में नवजोत, ये बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि रिया चक्रवर्ती का नाम जिस तरह से सामने आया है, चाहे वो दीपेश सावंत ने लिया हो या खुद रिया चक्रवर्ती के भाई की ओर से, शौविक चक्रवर्ती की ओर से नाम लिया गया हो या फिर बार बार जो ड्रग चैट है उसमें नाम सामने आया हो, कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि पूछताछ के लिए जो औपचारिकताएं होंगी पहले उनसे पूछताछ की जाएगी, लेकिन शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ जो सबूत थे वही सबूत रिया चक्रवर्ती के लिए भी तो काम करेंगे। हालांकि शौविक चक्रवर्ती डायरेक्ट ड्रग जो सप्लायर थे उनसे वो मिले रहते थे और उनके जरिए वो ड्रग्स पहुंचाने का काम करते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती किसके लिए ड्रग्स मंगाती थी, क्या वो खुद कंज्यूम करती थी और क्या सुशांत सिंह राजपूत को भी ड्रग्स को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आई कि दरअसल जो चैट सामने आए जिसमें वो का जिक्र है, माना यही जा रहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत है। और इस वक्त जो काफिला चल रहा है लगातार हम उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा मुंबई पुलिस किस तरह से लगातार एक्शन में सबसे पहले आगे चलती है और उसके बाद बीच में, हालांकि चारों तरफ से आपको बता दें पहले जब सीबीआई के दफ्तर में गई थी रिया चक्रवर्ती, सिर्फ जो सन शेड है उससे उन्होंने अपनी गाड़ी की जो खिड़की थी उसको कवर करके रखा हुआ था, लेकिन आज न सिर्फ सनशेड लगाया गया था ब्लैक कलर का बल्कि अखबार भी पूरी तरह से अखबार भी चिपकाए गए थे ताकि बिल्कुल भी उनकी कोई झलक कोई देख नहीं पाए, इस तरह का इंतजाम करके रिया चक्रवर्ती जी, जी, जी। सड़कों से चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है, हमारे तीन तेज तरार रिपोर्टर्स फॉलो कर रहे हैं रिया को, फॉलो कर रहे हैं चित्रा, लौट रही हूं आपके पास। अरविंद ओझा, अरविंद ओझा कहां तक पहुंचा पूरा काफिला? मौसमी सिंह, मौसमी सिंह आप बताइए, अपडेट दीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगभग 10 किलोमीटर का फासला अभी बाकी है, ट्रैफिक काफी ज्यादा है और बिल्कुल शहर के बीचों बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता एनसीबी जाता है,
तो जाहिर तौर पे लगभग आधे घंटे का वक्त और लग सकता है रिया जब तक एनसीबी पहुंचे, पर बहरहाल उनके लिए तैयारी पूरी की गई है। सबसे पहले जब रिया पहुंचेंगी तो उनसे एंट्री कराई जाएगी कि वो हाजिर हुई हैं, उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे, फिर उनको कमरे में ले जाया जाएगा, वहां पे आला अधिकारी मौजूद रहेंगे, महिला का अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, वहां उनसे पूछताछ होगी। गहन पड़ताल के बाद रिया चक्रवर्ती से पूरा उनका बयान लिखाया जाएगा जिसपे साइन कराया जाएगा। आप देख रहे हैं काफी ट्रैफिक है तो थोड़ा समय और लग सकता है। लगभग 12 बजे रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी और वहां से फिर 12 बजे से उनसे पड़ताल शुरू होगी। जाहिर है एनसीबी पूरे तार जोड़ने की कोशिश कर रही है, बॉलीवुड से के बड़े आकाओं को पकड़ने की कोशिश कर रही है जिनके इशारे पे ये पूरा ड्रग का रैकेट चल रहा था। आपको बता दें कि रिया के ऊपर इल्जाम कोई छोटा मोटा नहीं है। रिया के ऊपर इल्जाम ना सिर्फ ड्रग लेने का है बल्कि ड्रग मंगाने का भी और ड्रग पेडलिंग करने का भी है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बॉलीवुड पर शिकंजा कसने की तैयारी। चित्रा त्रिपाठी आपके पास आते हुए, कितना फासला कवर हो गया, कितना बाकी, कितनी देर में पहुंचेंगे, कितना किलोमीटर का रास्ता अभी बचा है? चित्रा त्रिपाठी आप देखिए, जैसा कि जानकारी मैं उसमें खुद दे रही थी, हालांकि जो कॉन्वॉय है लगातार उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। आमतौर पर मुंबई में इतनी तेजी से गाड़ियां दौड़ती हुई आपको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन कोशिश यही की जा रही है क्योंकि हम लोग भी लगातार, हमारी तीन टीम, अरविंद ओझा भी उनको फॉलो कर रहे हैं, मौसमी भी फॉलो कर रही है और मैं खुद उनको फॉलो कर रही हूँ। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिये, रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द ही, चाहे वो सुशांत का मामला हो, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो या 15 करोड़ के हेरफेर का मामला हो, ये पूरे के पूरे मामले उन्हीं के इर्द गिर्द इस वक्त चल रहा है। और ऐसे में एनसीबी ही सबसे कामयाब इस वक्त है और इसी वजह से एनसीबी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल काफी तेजी से गाड़ियां आगे निकल रही हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जैसा कि मौसमी जानकारी दे रही थी कि कुछ ही देर में यानी कि 12 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती को लेकर एनसीबी दफ्तर वहां पर पहुंच जाएगी। जी, दोनों हमारे साथ है, अरविंद ओझा भी मौजूद है। रूट बता दें, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बांद्रा रूट होते हुए उसके बाद बांद्रा वर्ली सीलिंग, फिर वर्ली सीएसटी बलाड होते हैं, फिर एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगे। जी चित्रा, बिल्कुल देखिए, इस वक्त हमारी कोशिश यही है कि उस जो रूट है उनका उस फासले को हम भी उतनी ही तेजी से कर पाए, क्योंकि पहले पुलिसकर्मियों ने हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी। उनकी कोशिश यही थी कि हम पीछे रह जाएं और वो गाड़ियां आगे निकल जाएं, लेकिन उस कोशिश में वो कामयाब नहीं हो पाए। और अब बस कुछ ही पलों में ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जो समय है 11:30-12 बजे के आसपास माना यही जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर पुलिसकर्मियों की टीम वहां पर पहुंच जाएगी। पुलिसकर्मी के सामने ये अहम जिम्मेदारी है कि वो पूरी सुरक्षा के साथ उनको वहां पर पहुंचा दें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या रिया चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी हो जाएगी? अपने आप में सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी के पास सबूत है और इसी वजह से जब ये सवाल पूछा गया था कि अगर बिल्कुल अरविंद ओझा, जी देखिए नौजवान, ये जो पूरा कॉन्वॉय आप देख पा रहे हैं लंबा कॉन्वॉय है और ये जानबूझकर मुंबई पुलिस, चूंकि सुरक्षा का खतरा है, आगे पीछे तमाम अरविंद ओझा ठीक से सुन नहीं पा रहे, लेकिन जी ये वही तस्वीरें हैं, वही तस्वीरें कॉन्वॉय को फॉलो करते हुए अरविंद ओझा। और आपको बता दें कि रूट क्या रहेगा जिस पर लगातार अरविंद ओझा बिल्कुल पास से फॉलो कर रहे हैं। तीन हमारे रिपोर्टर्स लगातार मौजूद है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बांद्रा होते हुए बांद्रा वर्ली सीलिंग और फिर उसके बाद वर्ली सीएसटी, जिसके बाद होते हुए एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगे। अरविंद ओझा, मेरी आवाज अगर अब तक आ रही है, कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं, जल्दी बताइए अपडेट। जी आपको बता दें नवजोत की, अभी वर्ली सी लिंक से काफिला गुजर रहा है, गाड़ियां बहुत तेज है, लगभग 14 किलोमीटर का फासला और लगभग आधे घंटे का समय बचा है एनसीबी पहुंचने के लिए। और एनसीबी का जो रूट है वो वर्ली सी लिंक से गुजरता है। मुंबई कहते हैं, मुंबई जो है कभी सोती नहीं, पर जिस तरह से लगातार पड़ताल पे पड़ताल और हर एक ट्विस्ट और टर्न इस कहानी में आ रहे हैं, उसको लेकर भी सारे लोग अब जो है चाहते हैं कि सच जो है वो सामने आए। और यहाँ पे आप देखिए वर्ली सी लिंक
से जो है निकलता हुआ काफिला, गाड़ियां काफी तेज जा रही हैं और लगभग 14 किलोमीटर बचे हैं नवजोत नारकोटिक्स ब्यूरो पहुंचने के लिए। पर आपको बता दें कि काफी तेज रफ्तार में इस तरफ जैसे ही ट्रैफिक क्लियर हुआ है वो गाड़ियां जो है वो जा रही है। रिया की गाड़ी बीच में है, बाईं तरफ रिया बैठी है और पूरा स्क्रीन जो है उनका ढका हुआ है। चित्रा त्रिपाठी, बिल्कुल इस वक्त जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पवन हमारे जो कैमरा पर्सन है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल बीच में देखिए रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है और उसके किनारे किनारे यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने घेर कर रखा हुआ है या फिर आज तक की जो हमारी तीन गाड़ियां हैं लगातार उनको फॉलो कर रही है। बांद्रा वर्ली सीलिंग को क्रॉस करते हुए अब हम आगे बढ़ चुके हैं और बस कुछ देर का और इंतजार। काफी तेजी से यहाँ पर गाड़ियां जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में चल रही हैं और बस कुछ देर का और इंतजार हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन चारों तरफ से जो पुलिस की गाड़ी है उसने रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को घेर कर रखा हुआ है ताकि उनकी कोई तस्वीरें लेने नहीं पाए। और ये देखिए ये जो गाड़ियों का लंबा काफिला इस वक्त चल रहा है बांद्रा वर्ली सीलिंग को क्रॉस करने के बाद, अब हम आगे बढ़ चुके हैं और अब बस कुछ ही देर के बाद बिल्कुल आगे बढ़ेंगे वर्ली सीएसटी और फिर उसके बाद बलाड एनसीबी। हम सीधे चलेंगे। अरविंद हो जा, अरविंद हो जा,